गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपका जो यूनिट पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ क्लास के लिए, इट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसमें हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशंस हेलो एल्केन्स की हुई थी। नाउ रिएक्शंस में हम पहुंचे थे, रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। उसमें देखो, आज हम एक तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे कि मेटल्स के साथ हेलो एल्केन्स कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब हेलो एल्केन्स का कंसेप्ट क्या है। हेलो एल्केन्स जनरली हम इनको लिखते हैं किससे, आर एक्स से। आर एक्स, आर मीन्स कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे हम लिखेंगे CH3, और एक्स जो है आपका कोई हेलोजन होगा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो दिस इज नाउन एज हेलो एल्केन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। इसकी रिएक्शन मेटल के साथ तो कैसे होगी, आपको पता है जो मेटल है इट इज़ स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का होता है, और ये हमेशा एक नेगेटिव पार्ट को ही अपने साथ कंबाइन करेगा। अब नेगेटिव के साथ करेगा तो हेलोजन जो हैं वो स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए मेटल और हेलोजन जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे। अब ये हैं कौन कौन सी रिएक्शंस और किस तरह की होती हैं। देखो, फर्स्ट जो रिएक्शन है इट इज़ वर्ड्स रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स जो हैं, देखो क्या करना है, इसमें आपने सोडियम मेटल के साथ आपने अपने अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करना है, हेलो एल्केन्स को या अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करना है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जो आपने सॉल्वेंट यूज़ करना है वो यूज़ करना है ड्राई ईथर। एल्केन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, और साथ में आपका साल्ट जो है वो बाहर आएगा। देखो ये होगा किस तरह से, आपका जो Na है सोडियम है, और यहाँ से X है, X मीन्स हेलोजन जो है वो आपका बाहर आ जाएगा, और पीछे आपके जो दो अल्काइल ग्रुप रह जाएंगे वो आप में वो कंबाइन हो जाएंगे आपस में। देखो मैं इसको अब इसी रिएक्शन को थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ। मान लो आप लेते हैं CH3Cl लेते हैं अल्काइल हैलाइड, इसको आपने ट्रीट करना है मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ Na, और एक और आपने यही मॉलिक्यूल लेना है, कौन सा, CH3Cl का, और साथ में आप क्या लेंगे, दो मतलब डबल अमाउंट लेंगे, किसका, दो एटम लेंगे सोडियम के। ये करेगा कैसे कंबाइन, इसमें जो आप सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो ड्राई ईथर यूज़ करेंगे, ड्राई ईथर। तो क्या होगा, दिख रहा है आपको यहाँ से कि NaCl तो बाहर आएगा, और ये बनेगा आपका 2NaCl प्लस। अब देखो, एक तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर रह गया, और एक ये वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ पर रह गया, तो ये आपका बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये आपका बन गया एल्केन। क्या बन गया, एल्केन, जिसको आप बोलेंगे इथेन। क्या बन गया, इथेन। तो दिस इज रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन, इसको आप बोलेंगे वर्ड्स रिएक्शन फर्स्ट। नाउ सेकंड इज वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन है। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, देखो इसमें क्या यूज़ किया हमने, हमने यहाँ पे C6H5 यूज़ किया है, C6H5। हमने यहाँ पे पहले दोनों अल्काइल यूज़ किए थे एलिफेटिक अल्काइल बनाने के लिए, और यहाँ पे हमने एरोमेटिक यूज़ किया है C6H5। C6H5 का क्या मतलब होता है, रिंग, फिनाइल की जो रिंग होती है। तो इसमें अगर हम दोनों अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे, ये एक तरह की सिमेट्रिकल रिएक्शन होगी, और ये तरह की एक अनसिमेट्रिकल है। मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एक अल्काइल ग्रुप है और ये आपका फिनाइल ग्रुप है, अलग ले लिया आपने। तो इस तरह की रिएक्शन को आप बोलेंगे वर्ड्स फिटिक। थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन है, इसमें आपने ये फिनाइल यूज़ किया, ठीक है, बाकी रिएक्शन इसका प्रोसेस जो है वो सेम है। इसमें क्या यूज़ किया, देखो हमने C6H5 यूज़ किया, C6H5 यूज़ किया, जिसको आप फिनाइल बोलते हैं, और फिर आप यूज़ करें आगे क्लोरीन। तो आगे फिर आपने वैसे ही सोडियम यूज़ किए 2, और फिर आपने क्लोरीन और CH3। तो इसमें आपने दो अलग अलग रखे, पहले दोनों CH3 थे, अब से एक C6H5 है, अब एक CH3। तो फिर वैसे ही निकलेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आपने इसको करवाना है रिएक्ट, तो 2NaCl बनेगा, और प्लस, और क्या बन जाएगा, ये वाला ग्रुप। अब ये तो निकल गया 2NaCl, ये सारा निकल गया, तो ये C6H5 और ये CH3 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, C6H5 एंड CH3। ओवरऑल अगर हम इसको देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर, तो C6H5 मींस दिस फिनाइल, और इसके साथ ये लग गया आपका CH3।
ठीक है। तो ये आपका एक एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है मेटल के साथ, वोड्स रिएक्शन एंड वोड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन, इट इज़ रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ऐसे आप सोडियम के साथ करना है, ऐसे आपने मैग्नीशियम के साथ करना है। मैग्नीशियम के साथ क्या है इसमें डिफरेंस, कि पहले आप इसमें दो दो मॉलिक्यूल आ जाते थे एल्काइल हैलाइड के, इसमें एक ही एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल आएगा, और मैग्नीशियम के साथ आपने इसमें यूज़ करना है। तो ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसमें मैग्नीशियम। क्या बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या मतलब है, मान लो आपने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, एग्जाम्पल जो वहाँ पे दी हुई थी C2H5 और Br, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड है या ब्रोमोइथेन इसको आप बोलेंगे, प्लस इसमें आपने यूज़ किया है मैग्नीशियम मेटल और साथ में वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने इसकी रिएक्शन करवाई। इसमें आप क्या करेंगे, एक ही लेंगे मैग्नीशियम, इसमें रिमूव नहीं होगा, इसमें ये मैग्नीशियम इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा C2H5 MgBr। इसको आप जनरली ऐसे लिखते हैं RMgX, और इसको आप बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काम आता है ये वाला कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नेवर आइसोलेटेड इन द सॉलिड स्टेट एज इट एक्सप्लोड्स इन द ड्राई स्टेट, सो इट इज यूज एज इथरल सोल्यूशन। कहता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप आइसोलेट नहीं करेंगे, ईथर में ही ये रहेगा डिजॉल्व फॉर्म में, ऐसे नहीं कि आप इसको निकालेंगे और अलग से निकालेंगे सॉलिड फॉर्म में फिर यूज़ करेंगे, बिकॉज सॉलिड फॉर्म में ड्राई स्टेट में ये एक्सप्लोड जो है वो हो सकता है, इसलिए आप इसको उसी इथरल सॉल्यूशन में, इथर में ही बना, सॉल्यूशन में ही है अभी कंबाइन, और वहीं आपने वैसे ही यूज़ करना है, वही सॉल्यूशन ही डालना है आप। नेक्स्ट देखें आइसोमराइजेशन, जो फिफ्थ आपकी रिएक्शन है मेटल्स के साथ आइसोमराइजेशन। आइसोमर्स मतलब कंपाउंड सेम रहता है, फार्मूला सेम रहता है, बस अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखो ये भी एक एल्काइल हैलाइड है, 1-chloro-propane 1, 2 and 3, ये तो प्रोपेन हो गया, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम है 1-chloro-propane। अब 1-chloro-propane है तो इसमें आपने क्या यूज़ किया, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, मेटल है ये भी, मेटल का एक साल्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एनहाइड्रस, और इसको हीट करना है 573 केल्विन पे। अब ये जो है आपका एक लेविस एसिड एक्ट करता है AlCl3, तो इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इसमें इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ये जो अपनी क्लोरीन है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेता है। अब ये फर्स्ट पोजीशन से कहाँ चला जाता है, सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे चला जाता है क्लोरीन, तो ये एक आइसोमराइजेशन हो जाती है, ठीक है, लीनियर से ये ब्रांच्ड टाइप का बन जाता है, सो दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो ये होगी मेटल्स के साथ आपकी अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन। इसमें आपने पांच तरह की रिएक्शन पढ़ी, वर्ड्स रिएक्शन, आपने क्या करना है, दो सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स लेने हैं और सोडियम के साथ उसकी रिएक्शन करवानी है। अगर सिमेट्रिकल नहीं लेंगे, अलग अलग लेंगे, एक फिनाइल लेंगे एक मिथाइल लेंगे, तो उसको आप वर्ड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड रिएक्शन आप देखेंगे मैग्नीशियम के साथ, तो अगर आप मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक्सप्लोसिव होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं यूज़ कर सकते उसको, हम उसको यूज़ करेंगे इथरल सॉल्यूशन में ही, इथरल सॉल्यूशन की ही फॉर्म में यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो है लास्ट है आपकी आइसोमराइजेशन, इसमें आप किसी अल्काइल हैलाइड में हैलोजन की पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के, उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के वो लेविस एसिड एक्ट करता है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एराइल हैलाइड्स मतलब एरोमेटिक रिंग है और साथ में आपका हेलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है या कोई भी एक्स लगा हुआ है, दिस इज एराइल हैलाइड। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, देखें एराइल हैलाइड्स आर कलरलेस,
लिक्विड्स आर कलरलेस सॉलिड्स विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ये लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, मतलब फिजिकल स्टेट एराइल हैलाइड्स की जो आपके एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, बट होंगे दोनों कलरलेस। एक तो कलरलेस होंगे, दूसरे उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगा, कोई स्मेल होगा, कोई स्मेल होगी उसको। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एराइल ग्रुप और हेलोजन एटम, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। तो पीछे भी हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स में, ये अब एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड्स की बात हो रही है, कि बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग टेम्परेचर वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन साइज मास। जैसे मास बढ़ेगा, जैसे साइज बढ़ेगा, वैसे ही क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। एराइल ग्रुप, अगर एराइल ग्रुप का साइज बढ़ जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, या हेलोजन का ही साइज बढ़ जाए तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, फ्लोरीन छोटा होता है, क्लोरीन उससे बड़ा, फ्लोरीन उससे बड़ा, आयोडीन सबसे बड़ा, तो जितना बड़ा साइज उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, क्योंकि मास ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, दिस इज बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पैरा आइसोमर। क्या कहने का मतलब है इसका? अब ये ऑर्थो, मेटा और पैरा क्या हो गए? देखो ये है आपका एरोमेटिक, ये है आपका, चलो मान लिया यहाँ पे क्लोरीन लगा। अब इसमें ये वाली जो पोजीशंस होती है ना, ये वाली साथ वाली, इसको आप बोलते हैं ऑर्थो। ये जो दो पोजीशंस होती हैं दूसरे नंबर वाली, इसको आप बोलते हैं मेटा, और ये जो लास्ट पोजीशन होती है इसको आप बोलते हैं पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जो ऑर्थो आइसोमर होता है और मेटा आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट मोर देन ऑर्थो एंड मेटा। पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा, पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। देखो मेल्टिंग पॉइंट मतलब पार्टिकल्स का दूर हो जाना, कोई आपका एक सॉलिड स्टेट है और इसको जब आप हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल आपस में बिल्कुल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं और ये अब अलग अलग हो जाएंगे, थोड़ा उनमें फोर्सेस कम हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे। ये मेल्ट तब होंगे जब इनके बीच में फोर्सेस कम होंगी। अगर पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ज़्यादा हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, मोर। अगर पार्टिकल के बीच में फोर्सेस कम हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी लेस होगा। अब बात हो रही है आर्थो, मेटा और पैरा की। देखो आर्थो में ये मान लो क्लोरीन है, ये आर्थो है, ये आर्थो है, और ये मेटा है, और ये पैरा है। कहते हैं पैरा की अगर बात करेंगे तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, ये क्लोरीन, और मान लो यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लो CH3 लगा हुआ है, ठीक है। जो पैरा आइसोमर है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ये जो आपका है ये सिमेट्रिकल है, जबकि आर्थो पे या मेटा पे कोई ग्रुप लगा होगा तो वो सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल। तो जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतने ही मॉलिक्यूल अच्छे से पैक होंगे, जितनी सिमेट्री ज़्यादा होगी उतने ही मॉलिक्यूल्स अच्छे से पैक होंगे, और जितने ज़्यादा अच्छे से पैक होंगे उतना ही फोर्सेस ज़्यादा होंगी, फोर्सेस, मोर फोर्सेस होंगी, और जितनी ज़्यादा फोर्सेस होंगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, उतनी ही हीट आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी इसको मेल्ट करने के लिए। तो मतलब जो ज़्यादा सिमेट्रिकल है उसमें फोर्सेस भी ज़्यादा हैं, और फोर्सेस ज़्यादा हैं तो हीट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, हीट मोर, और अगर हीट ज़्यादा करना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब पैरा आइसोमर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा से, क्योंकि ये दोनों अनसिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल होंगे तो उतने अच्छे से पैक नहीं होते, पैक नहीं होते तो इनके बीच की फोर्सेस भी कम होती,
और फोर्सेस जब कम होती हैं तो ये आसानी से मेल्ट हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट कम। तो ये बात हो गई किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। फोर्थ देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ड्यू टू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन CCl बॉन्ड इज शॉर्टर एंड हेंस इट्स डाइपोल मोमेंट इज लेस देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की बात हो रही है। क्लोरोबेंजीन, देखो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, ये बेंजीन रिंग है और ये क्लोरीन, ये है क्लोरोबेंजीन। और दूसरा बोल रहा है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसमें डबल बॉन्ड नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजिशन पे, इसमें नहीं। तो कहता है कि रेजोनेंस CCl बॉन्ड इज शॉर्टर एंड हेंस डाइपोल मोमेंट इज लेस देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल। देखो दो कंपाउंड्स को यहाँ कंपेयर किया हुआ है, ये मैं आप एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये क्लोरीन और ये आपका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और ये रेजोनेंस है, ये मूवमेंट कर सकता है, ये डबल बॉन्ड जो होते हैं ना ये घूमते हैं, ये पूरी चेन में घूम सकते हैं। ठीक है, कहता है कि इसलिए ये कार्बन और सीएल का बॉन्ड जो होता है वो शॉर्ट होता है, स्टेबल होता है और शॉर्ट होता है, छोटा होता है। बट ये जो है वो काफ़ी, ये बड़ा बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, ये स्लाइटली सॉरी ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये मोर पोलर होगा, मोर पोलर, ये बॉन्ड जो होगा वो मोर पोलर होगा, ये उतना पोलर नहीं होगा, ये स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर चार्जेस क्रिएट होंगे तो वो पूरे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब रेजोनेंस से वो मूवमेंट करता रहता है। देखो जैसे ये अगर यहाँ से क्लोरीन इससे खींचेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, ये इसको सप्लाई करेंगे, ये हमेशा घूमते रहते हैं, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऊपर और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड इसको यहाँ बैलेंस करेगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसको बैलेंस कर सकता है। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ स्टेबलाइज कर सकता है, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ अगर वैकेंसी क्रिएट होगी तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ, तो ये पूरा पाई बॉन्ड जो है वो घूमता रहता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है और कम पोलर है, लेस पोलर, यही इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पे कि ड्यू टू रेजोनेंस क्लोरोबेंजीन CCl बॉन्ड इज शॉर्टर एंड हेंस इट्स डाइपोल मोमेंट इज लेस देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। सो ये आपके दो आज टॉपिक हो गए, रिएक्शन मेटल्स के साथ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, एराइल हैलाइड्स की। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।